उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पर कार्रवाई तो की है, लेकिन अब विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ बुलंद करती नजर आ रही है। बता दें, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के लचर व्यवहार के विरोध में आज राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। बता दें, सब मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं यहाँ पर बैठकर धरना दे रहे हैं। इसके साथ ही पीछे प्रोजेक्टर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि और जगहों से भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और लगातार धरने कर रहे हैं। बता दें कि लोगों की मांग है कि जो आबकारी अधिकारी है उसको बर्खास्त कर दिया जाए। इस पर इस वक्त इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। से बात करते हैं, क्या कार्रवाई हुई? एक कर्मचारी का सस्पेंड कर देना, हटा देना, यही कार्रवाई? आयुक्त को हटा देना यही कार्रवाई है? सैकड़ों लोगों के मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन नेक्सस चला रहा है? किसका संरक्षण प्राप्त है? सरकार की पूरी कारगुजारी उजागर हो चुकी है, ये सरकार बेनकाब हो चुकी है। सरकार में मंथन चल रहा है कि सरकार को कैसे स्थिर रखा जाए, ये मंथन नहीं चल रहा है कि जो लोग मरे उनके लिए सरकार क्या करे, ये नहीं चल रहा है कि उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई हो। इस सरकार का चेहरा उजागर हो चुका है। पूरी तरह कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को सड़क पर लगातार उठाती है। किस हद तक कार्रवाई होनी चाहिए, क्या मांग है? कि आबकारी मंत्री का जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता, लड़ाई जारी रहेगी। तो देखा आपने, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का कहना है कि जब तक आबकारी अधिकारी का बर्खास्त नहीं हो जाएगा, तब तक ये लोग इसी प्रकार से धरना देते रहेंगे और राज्यव्यापी धरना इसी तरह से चलता रहेगा, उससे पहले ये मानने वाले नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजय पाल के साथ मैं शिवांगी, जेएमडी खबर, लखनऊ।